बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स इज़ कॉल्ड सिस्टोड्स, एंड सिस्टोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज टेपवर्म्स। तो थोड़ी सी पहले मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं सिस्टोड्स की। मेनली सिस्टोड्स की जो सिस्टोड्स के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। वन इज द स्कॉलिक्स, ये है स्कॉलिक्स। सेकेंड वन इज़ नेक एंड देन इज़ द बॉडी। अब ये जो स्कॉलिक्स है इसके ऊपर सकर्स होते हैं। ये देखें, ये आपको सकर्स नज़र आ रहे हैं और ये आपको जो ओरिजिनल जो वर्म है वो भी है। ये आपको ये देखें, ये सकर्स। अब ये नंबर ऑफ सकर्स जो हैं वो हर सिस्टोड के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इस पे हुक्स होते हैं। ये आप देखेंगे, ये हुक्स हैं स्कॉलिक्स के ऊपर। अब सकर्स और हुक्स किसी के कैसे होते हैं, किसी के कितने होते हैं, ये आपको नंबर ऑफ सकर्स जो हैं वो अलग अलग देखने और याद भी रखने पड़ेंगे। ये MCQs में पूछते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बॉडी है उसमें ये आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। एक जो सेगमेंट है इसको आप कहते हैं प्रोग्लॉटिड। तो नंबर ऑफ जो प्रोग्लॉटिड्स है दैट डिफाइंस के मैच्योरिटी शो करता है, ठीक है। जितना मैच्योर है वर्म उतने ही नंबर एंड साइज ऑफ प्रोग्लॉटिड ज़्यादा होगा। ये है एक प्रोग्लॉटेड, ये आप देख सकते हैं कि इसमें टेस्टिस है, इसमें ओवरी भी है, इसमें यूट्रस भी है, ठीक है। तो जो टेप वर्म्स होते हैं वो उनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही वर्म होता है उसी में। जो प्रोग्लॉटेड्स हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ये है मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम थोड़ी सी डिटेल में। ये आप देख लें कि किस तरह से यहाँ पे हुक्स हैं, स्कॉलिक्स है, उसके बाद फिर ये नेक है, बॉडी है, और यहाँ पे प्रोग्लॉटिड्स हैं, और ये अलग से प्रोग्लॉटिड का जो स्ट्रक्चर है जो उसका इनर माइक्रोस्कोपिक व्यू वो दिखाया हुआ है। ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है डायग्राम। आपको इस तरह से ड्रॉ करना नहीं आता है, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि ये वर्म है तो इसके कितने हैं, नंबर ऑफ हुक्स कितने हैं, नंबर ऑफ सकर्स क्या है, ये सब, ठीक है ना। तो आपको इसका आइडिया होगा बॉडी का, तो तभी आप कर सकते। उसके बाद ये जनाब क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट में हमने नहीं की थी कि आपको सारे के सारे पैरासाइट्स एक दफ़ा आ जाएं तो फिर आपको नाम याद हो जाएंगे। तो आपने अब क्लासिफिकेशन कर लेनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ अलग से पूछ लेते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन अलग से पूछते हैं, हेलमेंट्स की अलग से पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि निमाटोड्स कौन कौन से हैं, सिस्टोड्स कौन कौन से हैं, ट्रेमाटोड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जो है टेबल है इसमें आपको निमाटोड्स दिखाए हुए हैं कि पिनवर्म होता है, विप वर्म होता है। अब पिनवर्म को आप इंटरओबियस वर्मिकुलरिस कहते हैं। इसी तरह ये सारे दिए हुए हैं, हुकवर्म है, थ्रेड वर्म है, एस्केरिस है, एस्केरिस राउंड वर्म होता है। तो ये आपको लेमैन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर सिस्टोड्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, वो आपने याद करनी है। तो सिस्टोड्स हम करने लगे हैं। तो जनाब ये हैं सिस्टोड्स, सिस्टोड्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आता है टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस। अच्छा, जिस तरह से हमने राउंड वर्म्स का किया था ना कि आपने लेमैन लैंग्वेज में भी बताना है कि ये क्या है, ये जैसे कि पिनवर्म था, हुकवर्म था वगैरह। तो यहाँ पे भी आपने इसका लेमैन लैंग्वेज वाला नाम याद रखना है। टीनिया सेजिनेटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं, टीनिया सोलियम को
पोक टेप वर्म कहते हैं, एकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसिस इज द डॉग टेप वर्म, ठीक है। फिर उसके बाद है डाइफिलोबॉथ्रियम डेटम एंड दैट इज फिश टेप वर्म, फिर एच नाना है एंड दैट इज कॉल्ड ड्वार्फ टेप वर्म। साइज बहुत छोटा होता है इसलिए ये उसका नाम है। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टोड्स को, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है डाइफिलोबॉथ्रियम डेटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो फिश टेप वर्म कहते हैं इसको, ये देखें ये इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, ये बिग साइज्ड होता है, ये देखें 5 मीटर्स तक इसकी लेंथ जाती है। तो जो सकर्स हैं वो बेसिकली इंटेस्टाइन में इसने रहना होता है, तो इंटेस्टिनल वॉल में जो सकर्स हैं वो वहाँ पे स्टिक कर जाते हैं, और जो बाकी जो बॉडी है ना वो पूरी इंटेस्टाइन में आपको मिलता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ये है इसकी मॉर्फोलॉजी। स्कॉलिक्स में देखें यहाँ पे 2 सकिंग ग्रूव्स हैं, ये सकिंग ग्रूव्स हैं, यहाँ पे सकर्स नहीं हैं और हुक्स भी नहीं हैं, ये है स्कॉलिक्स इसका। तो आपने याद रखना है ये पूछते हैं स्कॉलिक्स की मॉर्फोलॉजी एमसीक्यूज में। तो यहाँ पे सकर्स नहीं हैं डाइफिलोबॉथ्रियम लेटम के, सिर्फ सकिंग ग्रूव्स हैं जो कि 2 in number हैं, ठीक है। ये देखें ये इसका ये आपको टेप वर्म नज़र आ रहा है। ह्यूमंस जो हैं वो डेफिनेटिव होस्ट हैं इसका। अच्छा बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ट्रांसमिशन इसकी अंडर कुक्ड फिश के खाने से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। फिश टेप वर्म है, फिश में होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन में ये पहुंच जाता है और इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टिनल वॉल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। सिम्टम्स जो हैं वो इसके क्रॉनिक अनीमिया इसने कॉज करना है, और उसके साथ साथ फिर मेल न्यूट्रिशन होगी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, फिश टेप वर्म जो है वो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कॉज करता है। अभी तक हमने कोई और पैरासाइट नहीं पढ़ा जिसने मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कॉज करना था, तो ये MCQs में पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी उसके बाद लाइफ साइकिल है इसका फिश टेप वर्म का, बड़ा ही आसान है। हमारे पास तो ये आना है हमारे इंटेस्टाइन में रॉ फिश खाने से, ठीक है। तो इंजेस्ट कर लिया, उसके बाद इंटेस्टाइन में आ जाता है, ये इंटेस्टाइन में अटैच करता है, वहाँ पे फिर ये एग्स भी हैच करता है, और ये जो एग्स हैं ये फिर दोबारा से फीसेस के साथ अगर वाटर में चले जाएं या सॉइल में, तो एक इसका इंटरमीडिएट होस्ट है उसको कहते हैं कॉप पॉड, वो पहले एग्स को कंज्यूम करता है। अब फिश ने कॉप पॉड को खाना होता है, तो फिश जो है वो जब इंजेस्ट करती है तो एग्स जो हैं वो फिश में चले जाते हैं, फिश अगेन इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर से ह्यूमन उसको खा के इन्फेक्ट हो जाते हैं। ये इसका आसान सा लाइफ साइकिल था। डायग्नोसिस जो है वो सेम जो आप करते हैं पैरासाइट्स के लिए, माइक्रोस्कोपी करेंगे, स्टूल होगा सैंपल, और स्टूल की आप माइक्रोस्कोपी करेंगे आपको एग्स मिलेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी जो ड्रग है वो प्राजिक्वेंटल है, ये या आप याद कर ही लें क्योंकि सारे टेपवर्म्स की यही ड्रग है। प्रिवेंशन जो है वो यही है कि आपने अंडर कुक्ड मीट नहीं खाना है, ठीक है, सैनिटरी और हाइजीन का ध्यान रखना है। तो ये था आपका फिश टेपवर्म। अब आगे चलते हैं, अगला है जनाब डाइफिलोबॉथ्रियम लेटम। डाइफिलोबॉथ्रियम लेटम आपने किया है, ये फिश टेपवर्म था। तो नेक्स्ट जो है वो है टीनिया सोलियम, ठीक है। टीनिया सोलियम को पोक टेप वर्म भी कहते हैं, पोक के मसल्स में ये होता है, और जो लोग पोक खाते हैं अगर वो अंडर कुक पोक खाएं तो टीनिया सोलियम जो है उसका इन्फेक्शन होता है उनमें, ठीक है। इसका जो सकर है, जो स्कॉलिक्स है उसमें होते हैं 4 सकर्स, ठीक है। ये आप इसका स्कॉलिक्स देख सकते हैं टीनिया सोलियम का, यह आपने याद रखना है कि स्कॉलिक्स में 4 सकर्स हैं, ठीक है। अच्छा ट्रांसमिशन इसकी अंडर कुक पोक मीट खाने से होती है, और एक बहुत ही टिपिकल इसका
वून बनता है उसको मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। उसको आप सिस्टी सरकाए कहते हैं, ठीक है। ये आप ये देखें सिस्टी सरकाए, ये और इस डिजीज़ को आप कहते हैं सिस्टी सरकोसिस। तो सिस्टी सरकोसिस जो है वो इसमें जो सिस्टी सरकाए हमारे बनते हैं वो ब्रेन में और आईज वगैरह में बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको विजिबल भी होते हैं। जो हमारे पास सिनेरियो आता है एग्जाम में उसमें भी इसी तरह से शो वो करते हैं कि न्यूरो सिस्टी सरकोसिस इसको कहते हैं, और बताते हैं कि ब्रेन में सिस्टी सरकाए हैं, या फिर आपको बताते हैं कि रेडियो पे एक शेडोज हैं, या आपको आइडिया देते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये, और साथ में हिस्ट्री भी होती है ना पोर कीटिंग की, तो ये सारी चीज़ें आपने कोरिलेट करके तो उसको डायग्नोज कर लेना। अच्छा, दो जो है वो दो तरह की डिजीज़ेस कॉज करता है टीनिया सोडियम। एक तो सिस्टी सरकोसिस होता है और दूसरा होता है टीनिएसिस। टीनिएसिस जो है उसमें उसके जो फीचर्स हैं वो डायरिया और वेट लॉस के हैं, ठीक है। उसमें सिस्टी सरकाए नहीं बनते, तो ये डिफरेंट है, दोनों आपने याद रखना। उसके बाद ये जनाब लाइफ साइकिल है, आसान है, आपको पता चल गया है कि पिग के मीट में ये हैं। पिग के जो मसल्स हैं वो जब अंडर कुक मीट आप कंज्यूम करेंगे तो आप साथ में एग्स भी कंज्यूम करेंगे और फिर इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सारा जो है वो लाइफ साइकिल में शो किया हुआ है। बहुत ही आसान है, ये सारे स्टेप्स आपने देख लेने हैं और लिख लेने हैं। टीनिएसिस मैंने आपको बता दिया है, सिस्टे सरकोसिस भी बता दिया, दो डिजीज़ हैं इसकी। सिस्टे सरकाए बनते हैं, ये इसका नाम होता है जो इसका लीजन होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर यहाँ पे मिल रहा है, ये देखें इस तरह से करके लीजन्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट है प्राजिक्वांटल, सेम ड्रग है जो आपकी फिश टेपवर्म की थी, ठीक है। और प्रिवेंशन अकॉर्डिंग ही है कि प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए एडिक्वेट, और लैब डायग्नोसिस के लिए अगर टीनिएसिस है तो आपको पता है उसमें डायरिया वगैरह होता है, तो आपने स्टूल का सैंपल लेके उसकी माइक्रोस्कोपी करनी है, आपको एग्स मिल जाएंगे। और अगर सिस्टे सरकोसिस है तो फिर उसका जो है वो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन करेंगे आप, और साथ में जो टिश्यू है उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, उसको उसमें आपको ये मिलेगा। ये टीनिया सोलियम का एग है, ये ड्रॉ हुआ हुआ है, टीनिया सोलियम का एग ड्रॉ करना आया हुआ है UHS में, तो मैंने इसलिए आपको शो किया है, ये या आपने याद रखना है। ये देखिए हुक्स और सकर्स शो किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एग है, इसमें 6 हुक्स होते हैं, ये आपने ज़रूर मेंशन करने हैं, ये जो ड्रॉ हुआ है ना। तो ये था टीनिया सोलियम। अब अगला ऑर्गेनिज्म देखते हैं, अगला ऑर्गेनिज्म है टीनिया सेजिनेटा, एंड दिस इज कॉल्ड बीफ टेपवर्म, ठीक है। टीनिया सेजिनेटा का जो स्कॉलेक्स है उसमें भी 4 सकर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हुक्स नहीं होते। टीनिया सोलियम में 6 हुक्स थे और यहाँ पे हुक्स नहीं है, तो ये डिफरेंस है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसकी बिल्कुल सेम हैं, बस यहाँ पे आप का जो सोर्स है वो है बीफ, ठीक है ना। तो टीनिया सेजिनेटा हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कंटेमिनेटेड बीफ मिल जाता है, उसमें टीनिया सेजिनेटा के एग्स होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते होते हैं UHS पहले। बस आपने ये याद रखना है कि ये अंडर कुक बीफ से होता है, ठीक है। तो ये है इसका स्कॉलेक्स, ये देखें यहाँ पे 4 सकर्स हैं और हुक्स नहीं हैं। लाइफ साइकिल है जनाब इसका बहुत ही आसान है। बीफ जो है वो अंडर कुक बीफ अगर वो इन्फेक्टेड है, कंटेमिनेटेड है, तो थ्रू उसको अगर हम इंजेस्ट करेंगे, ठीक है,
तो ये हमारे इंटेस्टाइन तक आ जाएंगे एग्स, और वहाँ पे फिर ये मैच्योर होंगे, वर्म बनेगा, और जो टेप वर्म है वो इंटेस्टाइन में अटैच हो जाएगा, और एग्स भी फिर इसके जो एग्स हैं वो फीसेस के थ्रू ग्रास वगैरह में सॉइल में जाएंगे, और फिर अगेन जो बीफ है वो फिर से कंटेमिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल। तो बस यही है क्लिनिकल फीचर्स। इसके डायरिया लाइक फीचर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सीवियर फीचर्स नहीं होते। ट्रीटमेंट इसकी भी सेम ही है, प्राजिक्वांटल, और प्रिवेंशन भी सेम ही है कि आपने अंडर कुक बीफ नहीं खाना। लैब डायग्नोसिस के लिए आप स्टूल माइक्रोस्कोपी करेंगे, वहाँ आपको प्रोग्लोटिड्स भी मिल जाएंगे और एग्स भी। तो ये था टीनिया सेजिनेटा एंड सोनियम। उसके बाद फिर अगला जो है पैरासाइट वो है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये बड़ी दफ़ा पूछा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये डॉग जो है वो इसका सोर्स है, ठीक है, तो डॉग टेपवर्म इसको कहते हैं, और काफ़ी स्मॉल इसका साइज़ होता है, और स्कॉलेक्स में इसके फोर सकर्स होते हैं और हुक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आप, हुक्स थोड़े से अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट है, और टीनिया जो टीनिया सोलियम था वहाँ हुक्स की अलाइनमेंट चेंज थी, आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ड्रॉ करते हुए आपने ठीक ड्रॉ करना है, उसको मिक्स नहीं करना, फिर वरना फिर समझ नहीं आती और आपके इस तरह नंबर भी कट जाते हैं। अच्छा, इसकी जो डिजीज़ है वो है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको ज़रूर ये याद होना चाहिए, आपने बिल्कुल डायग्नोसिस मिस नहीं करना। हाइड्रेटेड सिस्ट जो हैं वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होते हैं। ठहरे, मैं पहले आपको दिखा दूँ। बेसिकली ये देखें, ये हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। तो इस तरह के सिस्ट बन जाते हैं लिवर में, ब्रेन में, ये मोस्ट कॉमनली बनते हैं, ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन में वैसे बन सकते हैं। ब्लड सप्लाई के थ्रू इसने लिवर तक पहुंच जाता है, वहाँ पे जाके हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इसके फोर सकर्स हैं और हुक्स हैं। एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस इसका नाम है, डॉग टेपवर्म आप इसको कहते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल इसका बहुत ही आसान है कि जो डॉग है ना, डॉग के जो फीसेस हैं उनके थ्रू किसी ना किसी तरह अब हम इंजेस्ट करते हैं। किस तरह से, जैसे कि कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स हैं या वाटर है या किसी भी तरह हमने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, और वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम में एक दफ़ा आ गया तो फिर ये लिवर में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, जहाँ भी जाएगा फिर वहाँ पे हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ कॉज करेगा। ये था इसका लाइफ साइकिल, आसान है बिल्कुल, और आपने ज़रूर याद रखना है। और ये हाइड्रेटेड सिस्ट का भी याद रखना है कि ये क्या चीज़ होता है। ये बेसिकली स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन आपको नज़र आता है अगर आप इसकी सोनोग्राफी करें, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये डेलिकेट होता है, इसकी बहुत थिन वॉल होती है। सर्जिकल रिमूवल इसकी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, तो सर्जिकली जब आप रिमूव करते हैं तो ये इतना डेलिकेट होता है कि अगर आपका स्केलेपल जो है वो इसकी वॉल को एक दफ़ा टच कर गया और ये रपच्चर कर गया, और इसका रपच्चर करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कॉमन है ड्यूरिंग सर्जरी, ये हो सकता है रपच्चर। तो अगर ये हो गया तो बस फिर सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि री इन्फेक्ट होगा, आपने सारे सिस्ट जो हैं वो स्पिल आउट कर दिए और बस काम ख़त्म हो गया। अच्छा, ये हाइड्रेटेड सिस्ट जो है ये ड्रॉ करना भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, UHS में, तो ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। आपने ये इसके एक तो अपने जो टिश्यू है वो शो कर देनी, जैसे कि ये लिवर है, लिवर के टिश्यूज़ के हमारे लिवर के साथ अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेम है इसका, और यहाँ पे ये सिस्ट है, और सिस्ट के अंदर भी डॉटर सिस्ट हैं, तो ये डॉटर सिस्ट भी आपने बना देने हैं, और बाकी ये सारा फ्लोइड है, ठीक है।
तो ये इसको बनाना बहुत आसान है अगर आ जाए तो। आपका पूछा हुआ है कि हाइड्रेटेड सिस्ट किस तरह का होता है और इसको ड्रॉ भी करें, ठीक है। तो आपने इसी तरह से लेबल भी कर देना है। लेक्चर आपको पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है वो भी जा चुकी है, उसमें आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। और वैसे ये आपकी बुक वाली डायग्राम है, आपने ये डायग्राम करनी है बस, जहाँ से भी करें, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। अच्छा, डायग्नोसिस जो है वो इसका, आप एक तो अल्ट्रासाउंड पे ये नज़र आ जाएंगे, ये देखेंगे स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होते हैं, और आपको स्कैन पे नज़र आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, और ये उसकी स्पेसिमेंट्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली जैसे कि आपने सिस्ट का फ्लूइड लिया, तो उसकी अगर आप माइक्रोस्कोपी करेंगे या फिर बायोप्सी लेंगे वगैरह वगैरह, सीरोलॉजी भी की जा सकती है, ठीक है। ये था इसका डायग्नोस। तो ये थे जनाब आपके सिस्टोड्स और पैरासाइटोलॉजी का, ये आपका लास्ट लेक्चर था। पैरासाइटोलॉजी भी आपकी कवर हो गई है, अब आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट, और अब हम करेंगे रिवीजन स्टार्ट और टेस्ट वगैरह का सिलसिला शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, क्लास बेस्ट ऑफ लक, पढ़ें बैठ के, और अल्लाह हाफिज़।